नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। बिहार स्थित भागलपुर जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो भागलपुर जिले के जिला परिवहन कार्यालय के बड़े बाबू शंभू मंडल का बताया जा रहा है। इस वीडियो में बड़े बाबू के द्वारा किसी कार्य को करने के नाम पर मोटी रकम की वसूली की जा रही है। वही मोटी रकम लेने के बाद एक सप्ताह में सारा कार्य करके देने की बात बताई जा रही है। शेष राशि काम होने के बाद लेने की बात वायरल वीडियो में स्थानीय भाषा में बोली जा रही है। भागलपुर डीटीओ कार्यालय के बड़े बाबू शंभू मंडल का कार्यालय डीटीओ कार्यालय के आमने सामने है। हैरान करने वाली बात ये है कि जिला परिवहन कार्यालय में कार्यालय के बाहर बरामदा पर तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन बड़े बाबू के कार्यालय के अंदर में एक भी कैमरा नहीं लगा हुआ है। सवाल ये उठता है कि कैमरा सिर्फ जनता के लिए ही क्यों लगाया गया है, जबकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस कार्यालय के भीतरी एरिया में भी लगाया जाना चाहिए। वही जिला परिवहन विभाग के बड़े बाबू शंभू मंडल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार्य करने के नाम पर कुल 4000 रुपए नजराने के तौर पर लिया गया। एक हफ्ता के अंदर अंदर सब पता दे रहे अगला शनिवार का भी नहीं सोमवार का भी ठीक है। हम रखे हैं मौका सर्च करा दें। हाँ ठीक जा देखो कितना बढ़िया पर वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि एक सप्ताह के अंदर काम हो जाएगा और बाकी रुपए काम होने के बाद देने को कहा जा रहा है। कुछ दिन पूर्व ही पटना जिला परिवहन कार्यालय में दलालों द्वारा कार्य करने की बात प्रकाश में आई थी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।